हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गीता की रसोई में। तो आज फिर हाजिर हैं हम आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ। तो आज क्या होने वाला है ये बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ज़रूर दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास मेरी हर नई वीडियो, हर आने वाली नई रेसिपी आपके पास जल्दी से पहुँचेगी। तो प्लीज़ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देख के लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं पकोड़ी, जिसको हमारे यहाँ पकोड़ी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं नहीं आप बताइएगा कमेंट में। कई लोग पुचका बोलते हैं, कहीं गोलगप्पे बोलते हैं, कहीं फुलकारी बोलते हैं। तो आप बताइएगा कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं। कई फुल्की बोलते हैं। तो उसके लिए देखिए हमने क्या तैयार किया है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने दो तरह का पानी तैयार कर लिया है। ये है धनिया और धनिया का लहसुनिया पानी, जो तीखा रहेगा थोड़ा, और ये है खट्टा मीठा पानी, इमली का पानी, जो मीठा रहता है, खट्टा मीठा रहता है। तो दो तरह का पानी हमने तैयार कर लिया है। इसके ये बनाते समय मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी, पर सोचा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में आपको इसकी रेसिपी ज़रूर बताएंगे। तो अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए, इस मसाले के लिए हमने आलू को उबाल के बारीक बारीक काट लिया है। इधर हमने सफ़ेद चने उबाल के रख लिए हैं। अभी हम इसमें से आधे चने, सफ़ेद चने इसमें मिला देते हैं। दो तरह का मसाला बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ गुजरात में रगड़ा आलू भी बनते हैं, जो गरम बनते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है रगड़ा, वो भी मैं आपको बना के बताऊंगी। आधे चने हमने इसमें डाल लिए हैं। अब हम इसमें मसाला कर लेते हैं, जिसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च। अगर आप ये ज़्यादा मसाला पसंद करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी, तो आप ज़्यादा स्पाइसी खा सकते हैं, डाल सकते हैं इसमें। और मैं इसमें थोड़ा मीडियम डालूंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो हमने मसाला तैयार कर लिया है, अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसको हम अलग कर देते हैं। अब इसी बाउल में हमने बाकी बचे हुए आलू ले लिए हैं, इसको हम पहले मैश कर देंगे अच्छे से। अब देखिए, आलू को मैश कर लिया है, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करा है, इसको रफली मैश करेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा उसमें आलू दिखाई देना चाहिए। अब हम ये जो चने हैं ये भी इसमें मिला देते हैं। चने हमने डाल दिए हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे अपने। सबसे पहले डालेंगे हम इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा, थोड़ा डालेंगे काला नमक, थोड़ा डालेंगे धनिया पाउडर, साथ में जाएगा इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे रगड़ा बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है, जो है हमारा तीखा धनिया और लहसुन का पानी। थोड़ा सा ये पानी मिलाएंगे और थोड़ा सा हम सादा पानी उसमें मिलाएंगे। देखिए, हमने उसी में मिला लिया है पानी जिसमें हमारे चने रखे थे, तो हमारा नीचे का मसाला वेस्ट नहीं गया। अब हम इसको अच्छे से मिला देते हैं। पानी अभी इसमें कम है, और डालेगा। तो देखिए, पानी अभी हमने इसमें और डाल दिया है। अब हम इसको गैस पे रख के गरम करेंगे।
गैस कर लेते हैं ऑन, और साथ साथ इसको गर्म करेंगे और साथ साथ इसको थोड़ा थोड़ा मैश करते जाएंगे। जो थोड़े थोड़े आलू ज़्यादा मोटे रह गए हैं उसको हम मैश करते जाएंगे। तो अब देखिए अच्छे से हमने इसको थोड़ा थोड़ा मैश कर लिया है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं। और ये रगड़ा खाने में पकौड़ी में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। गुजरात का फेमस है ये। गुजरात में बहुत सारे लोग रगड़ा पकौड़ी खाना पसंद करते हैं और मेरे बेटों को भी ये बहुत पसंद है। ये भी बना के रख दिया है, बाकी जिस समय खाएंगे उस समय भी इसको दोबारा से मैं गरम करूँगी क्योंकि गरम ही खाया जाता है। आप देख रहे हैं कितना अच्छे से बना है, बहुत अच्छी इसमें लहसुन की खुशबू भी आ रही है, गरम मसाले की भी, बहुत बढ़िया लगता है खाने में। तो बाकी आगे बताते हैं हम आपको। देखिए रगड़ा अच्छे से उबल रहा है, ये पूरी तरह से बन के तैयार है। अब गैस कर देते हैं बंद, अब पकौड़ी लाएंगे बाज़ार से और फिर मैं आपको भर के दिखाऊंगी। तो हो जाइए स्टार्ट। तो कर ली है हमने तैयारी। ये हमारा है मीठा पानी इमली का, ये है धनिया और लहसुन वाला तीखा पानी, ये है आलू चने का मसाला और ये है हमारा आलू चने का रगड़ा। और आ गई है हमारी पकौड़ी। तो अभी हम प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देखिए इसमें हम डाल रहे हैं चने आलू का मसाला। इसमें डाल रहे हैं हम अपना रगड़ा, इसमें डालेंगे मिक्स थोड़ा सा चना चने आलू का मसाला और थोड़ा सा रगड़ा, ये तीनों ही। तो देखिए हो गई है हमारी प्लेटिंग। एक में है मीठा पानी, एक में है तीखा पानी और एक में है मिक्स पानी। आप जौन से फ्लेवर में खाना पसंद करें आप खा सकते हैं। और पकौड़ी में है एक में चने आलू का मसाला, एक में है रगड़ा और एक में है मिक्स आलू चने का मसाला और रगड़ा। आप जैसे खाएं वैसे, जैसा पसंद करें आप वैसा खा सकते हैं। अभी हम आपको ये खा के दिखाते हैं। तो हम गिलास से नहीं लेंगे, हम सीधा इसमें डिप करेंगे और ये हम बाइट लेंगे। आप भी खा के देखिए कैसा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बना है, जबरदस्त टेस्ट वाला। आप यकीन नहीं कर सकते कि अगर आपके मुंह में जाता ये तो आप फ्लेवर टेस्ट कर सकते थे इसका। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार बना है। तो चलिए आप भी बनाइए और मेरी वीडियो में आते रहिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अभी हम बना लेते हैं दही पूरी अपनी, जिसमें हमने पकौड़ी को तोड़ के उसमें चना और आलू का मसाला डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें अपनी दही।
साथ में डालेंगे मीठी चटनी, ये इमली की सौंठ है घर की बनी हुई, साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा मसाला, थोड़ी सी डालेंगे दही की ममरी, और साथ में डालेंगे अपनी थोड़ी सी बारीक वाली सेब। तो हो गई है हमारी रेडी दही पूरी। तो आप देखिए कैसी लग रही है, एक खा के बताते हैं। बहुत बढ़िया बनी है, बहुत टेस्टी। तो आप भी खाइए और एंजॉय करिए।